इजराइल विदेश मंत्रालय ने हमास पर लगाया बहुत बड़ा आरोप, कहा आतंकवाद के लिए अस्पतालों का हो रहा इस्तेमाल। इजरायली सेना ने वीडियो जारी करते हुए किया दावा। इजराइल ने 24 घंटे में हमास के 5 कमांडर्स को मार गिराने का किया दावा। हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल का प्रमुख याकूब अशौर भी ढेर। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना तारिक की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की साजिश में था शामिल आतंकी अजहर मसूद का था फरी। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 ताबड़तोड़ रैलियां, आज शाम को इंदौर में करेंगे मेगा रोड शो। जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाएंगे प्रधानमंत्री। 24,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की करेंगे शुरुआत। केंद्र सरकार के 11 मंत्रालय होंगे योजना में शामिल। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव जा रहा हूं, वहां से पूरे देश के आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत होने वाली है। बिहार के जमुई में अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर की टक्कर से एक दरोगा की मौत, होमगार्ड का एक जवान जख्मी। बालू माफिया की शिकायत मिलने के बाद छापेमारी के लिए निकले थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का अखिलेश यादव पर निशाना, न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देना अपने वोट की बर्बादी है। समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बन रहे टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को फोन कर ली ताजा हालात की जानकारी। उत्तराखंड सरकार ने जांच के लिए बनाई 6 सदस्यों की टीम। दिल्ली में फिर से जहरीली हवा का असर बरकरार। दिल्ली पुलिस ने आतिशबाजी करने को लेकर 2 जिलों में 42 मामले किए दर्ज। मुंबई में गैर कानूनी तरीके से पटाखा फोड़ने पर दर्ज हुए 784 FIR। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही,